साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये देखेंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाए। किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 दिया रहे तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये दहाई अंक पर जो संख्या रहे या इसके बाद 5 के बाद जो भी संख्या रहे उसमें एक ऐड करेंगे, तो एक 1 है तो इसमें एक ऐड करेंगे यानी 2 हो जाएगा। 2 में एक से इंटू करेंगे तो 2 ही रहेगा, ये आपका आंसर। यहाँ देखेंगे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 2 है 5 के बाद, तो 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 और 2 से गुणा करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 करेंगे। यहाँ 2 3 है तो एक ऐड करेंगे यानी 4 हो जाएगा। अगला संख्या 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। 5 के बाद कौन सा संख्या है, 4 है तो 4 से एक बढ़ा लेंगे 5 होगा। 5 और 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर यहाँ क्या है, 5 है तो 5 से एक बढ़ा लेंगे 6, 6 और 5 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये कब रूल लागू होगा, जब अंत में 5 हो। और यहाँ क्या है, 7 है, 7 से एक बड़ा 8 लेंगे, 8 और 7 में गुणा करें तो ये आपका 56 हो जाएगा, ये आंसर। यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 9 से एक बड़ा अंक लेंगे 10, 10 और 9 में इंटू करेंगे यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 5 है अंत में, केवल इकाई अंक लेना है तो यहाँ 25 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 10 से एक बड़ा अंक लेंगे तो 11 और 10 में गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, 5 है तो 5 को 25 लिखेंगे। इसका 11 है, 11 से एक बड़ा लेंगे तो 12 होगा। 12 और 11 में गुणा करेंगे तो आपका 132 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।